थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये आपके जो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है उसके हीट सेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये जो हीट सेक्शन में आने वाला है, ये हीट सेक्शन में तीन चैप्टर आते हैं, उसमें से ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स है पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर हर वो चीज है जिसके लिए कुछ जगह लगती है, जिसके लिए स्पेस लगता है। ये तो हमने टेंथ में पढ़ा था। फिर उसके पहले क्या है, प्रॉपर्टीज, मतलब उसके कुछ खुसूसियात स्टडी करना है, और स्पेशली कौन से प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज। ये जो वर्ड है आपका थर्म, ये कहां से आया हुआ है? ये हीट से आया हुआ है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और उसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। तो हमको एक बॉडी के हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म्स आने वाले हैं, पहला है हीट, दूसरा है टेम्परेचर। क्या दोनों भी सेम है? नहीं। तो टेम्परेचर इज द थिंग यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट। टेम्परेचर से हम गिन सकते कि उस ऑब्जेक्ट में हीट कितनी ज्यादा या कितनी कम है। अगर वो ऑब्जेक्ट में हीट बहुत कम रही तो हम क्या बोलेंगे उसको, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। और अगर उस ऑब्जेक्ट में हीट बहुत ज्यादा रही तो इट विल बी कंसिडर्ड एज हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत कोल्ड है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, ठीक है, जीरो के आसपास रहेगा, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर एक ऑब्जेक्ट हॉट है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ठीक है। और हर चीज यहां पे फिजिक्स में एक रूल लगता है, हर चीज कहां से कहां पे जाती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है। जैसे वॉटरफॉल का बेसिक एग्जाम्पल है, वॉटरफॉल में पानी नॉर्मली ऊपर से नीचे ही आता है, ठीक है। तो हर चीज कहां से कहां जाएंगी, ज्यादा से कम की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो यहां पे भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कहां से कहां, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टेम्परेचर टू एन एरिया ऑफ लोअर टेम्परेचर। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, घर में मान लो आप चाय बन रही है और आप एक चाय में स्पून रखा हुआ है, चम्मच रखा हुआ है, और वो 5 मिनट तक वैसे ही रखा हुआ है। तो उसका मैं डायग्राम बनाया था, यहाँ पे मान लो ये कंटेनर है और नीचे ये गैस पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ तो लिक्विड है सब उसमें हमने मिलाया हुआ है, पानी दूध शक्कर वगैरह, और यहाँ पे हमने एक स्पून रख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये स्पून 5 मिनट से अंदर ही है, और अब आपने क्या किया, जाके अंदर तो नहीं हाथ डालेंगे चाय के, तो हमने ये यहाँ पे टच किया, तो हमको हाथ पे चक्कर लगेगा, हीट महसूस होगा। क्या ये यहाँ पे हम हीट दे रहे थे? ये तो चूल्हे पे नहीं रखा हुआ है, लेकिन ये इसका पार्ट गर्म हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो हीट का डेफिनेशन सुन लो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कौन सी जगह से कौन सी जगह, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो जब हमने चम्मच को इसमें रखा था तो हायर टेम्परेचर यहां आना शुरू हुआ था और यहां से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है किसका, हीट। अब अगर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो उसका यूनिट भी किसके जैसा रहेगा, एनर्जी जैसे रहेगा। एनर्जी का बेसिक यूनिट क्या है, जूल्स, और उसका एक छोटा यूनिट और एक, और कौन सा छोटा यूनिट, जूल्स का, जूल्स हमारा ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग्स, और 1 जूल इज हाउ मच अर्ग्स, 10^7, ठीक है, 10^7 अर्ग्स है। अब एनर्जी में एक और यूनिट यूज किया जाता है, जो अगर आप मान लो जो जिम फ्रिक्स होते हैं या जो न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपने आप के, तो वो कैलोरीज में बात करते हैं, वो बोलते हैं आज मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की है, तो वो कैलोरीज भी किसका यूनिट है, वो एनर्जी का ही यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैलोरीज बर्न करना मतलब उतनी एनर्जी बॉडी में आई, उतनी हीट जनरेट हुई, और जब बॉडी में उतनी हीट जनरेट होगी तो बॉडी की उतनी एनर्जी उतना फैट पिघलेगा, अगर फैट है तो, अगर फैट नहीं पिघला तो वो एनर्जी से मसल बनेगा फिर, ठीक है। तो ये होता है कैलोरीज का, और आप जो भी चीज खाते हैं उसमें कैलोरीज होते ही है। तो ये जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो आपको दिन का प्लान बना के देते हैं कि आपने एक दिन में 1000 कैलोरीज ही इंटेक करना है, मतलब लेना है, खाना है, ठीक है। तो उसमें जो हमारे ज्यादा फैटी मटेरियल रहते हैं, जंक फूड वगैरह ये जो भी रहता है, उसमें ये कैलोरीज बहुत ज्यादा होते हैं, और कैलोरीज बहुत ज्यादा ले लिए तो फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो ये चीज है। और 1 कैलोरी हाउ मच जूल, 4.18, उसको अप्रोक्स हम 4.2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये आप हर ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं, पैक्ड फूड जितना भी आता है उसमें कैलोरीज लिखी होती है। उसमें सबसे बेसिक एग्जांपल है आपका चिप्स का पैकेट, तो चिप्स के पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि एक पैकेट में कितने किलो कैलोरीज है, उसमें किलो कैलोरीज के फॉर्म में है। किलो कैलोरीज मतलब कितने हजार कैलोरीज है उसमें, ठीक है। और वेजिटेबल्स में कैलोरीज कम रहेंगे एज कंपेयर टू दिस थिंग्स। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, लेकिन हम नॉर्मली टेम्परेचर कौन से यूनिट में गिनते हैं, डिग्री सेल्सियस। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि अगर हम बोलते किसी को बुखार है, फीवर है, तो हम बोलते 102 है, 102, 104, तो ये डिग्री सेल्सियस में है क्या? अगर डिग्री सेल्सियस में हुआ ये गया इंसान ऊपर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल जाता है, तो हमारा ब्लड भी ऐसे ही होगा फिर, और इंसान ऊपर चल जाएगा। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इससे 1-2 डिग्री ऊपर चले गया या नीचे चले गया, दोनों कंडीशन में हम बोलते हैं ही हैज फीवर, ठीक है। कुछ केसेस में बॉडी ठंडी भी पड़ जाती है, ठीक है, कोल्ड फीवर बोलते हैं उसको, और नॉर्मल फीवर में बुखार आया था तो उसको चेक करना, तो नॉर्मली ऐसे चेक कर लेते हम, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट चेक करना है तो फिर क्या करना है, थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर में यूनिट कौन सा लेते हैं हम, डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम, राइट। कुछ थर्मामीटर में फारेनहाइट भी लेते हैं, तो ये सेल्सियस ये भी साइंटिस्ट का नाम है, फारेनहाइट भी साइंटिस्ट का ही नाम है, और थर्मामीटर जिसने बनाया था वो साइंटिस्ट का नाम था फारेनहाइट पहले, और फिर लंबा चौड़ा नाम था, फिर फारेनहाइट लास्ट नेम था उसका। केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये तीनों का यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। उससे पहले यहां कुछ पॉइंट्स लिखे हुए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखो यहां पे कुछ पॉइंट्स आने वाले ये ऐसे। अब इसमें और एक यूनिट है रैंकिन, ये भी हम आगे देखेंगे कि रैंकिन क्या है, कैसा यूनिट है, ठीक है। और हम ये भी सीखेंगे इस चैप्टर में कि जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल थर्मामीटर ले जो डॉक्टर यूज करते, तो वो इतने ही साइज करेंगे या इससे भी छोटा रहेगा। अब तो डिजिटल आ गए वैसे, लेकिन हम डिजिटल से पहले की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें कैसे होता है, तो ये इतना थर्मामीटर रहता है और वो 100 डिग्री तक भी बता सकता है। और अगर आप गलती से कभी कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में चले गए, तो वहां भी थर्मामीटर होता है, तो वहां थर्मामीटर इतना बड़ा रहता है और वो भी 100 डिग्री तक ही गिन रहा है, तो ऐसे कैसे। तो उसका भी हम फॉर्मूला निकालेंगे कि उसका फॉर्मूला कैसे, अगर आपको कितने लेंथ का थर्मामीटर चाहिए और वो 100 डिग्री तक ही बताना चाहिए, तो वो भी हम बना सकते, तो वो कैसे बना सकते वो भी देखेंगे हम। तो इसमें अलग अलग तरह से हम स्टडी करने वाले हैं, किसकी, हीट के प्रॉपर्टीज की। तो ये यही स्टडी की हमने, टेम्परेचर क्या बताता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसका क्या मतलब है कि वो जो भी मैटर है वो कौन से स्टेट में होगा। सिंपल एग्जांपल वाटर, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस में कौन सा स्टेट है, स्टेट सॉलिड, 0 to 100 लिक्विड, अबव 100 गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम या वेपर, भाप, ठीक है, क्लियर है। तो चलो बढ़ते आगे, तो ये टेम्परेचर, हाँ बस बस बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। अब हीट के बारे में क्या है, यही चीज है, फ्लो हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, हाँ, तो डाउट पूछ रहे क्या, चलो। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट कैनॉट बी स्टोर्ड बाय द बॉडी, मतलब बॉडी अपने अंदर वो जमा करके नहीं रख सकती है। तो हम तो बोलते हैं गर्म रहती है बॉडी कुछ देर तक, तो फिर ऐसे कैसे, वो क्या होता है उसमें, उसके जो एटम्स रहते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट स्टेट में जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स वापस लोअर स्टेट में आते, तो वो हीट एमिट कर देते हैं। हाँ ली थी उन्होंने हीट, लेकिन बाद में वापस भी छोड़ दी। इसीलिए हम बोलते हैं कि मान लो चाय बनी है, चाय की कप को हमने नॉर्मल एटमोसफेयर में रख दिया है, तो वो थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी, तो उसने हीट एब्जॉर्ब किया था पहले, लेकिन बाद में हीट वापस दे भी दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, इट डज नॉट डिफाइन द स्टेट ऑफ द बॉडी, ये कौन से स्टेट में होगा ये नहीं बता सकता। कैसे, अगर हम बोल रहे हैं कि एक मेटल है, वो मेटल 100 डिग्रीज पर है, तो क्या वो गैस बन जाएगा, नहीं, तो उसमें हीट तो है अच्छा खासा,
लेकिन क्या वो हीट उसका स्टेट बता रहा है? नहीं, तो हीट स्टेट नहीं बताएंगे, लेकिन टेम्परेचर स्टेट बता सकता है। ठीक है, अब देखो यूनिट इसका क्या है, एनर्जी का ये जूस, और भी हमने यूनिट देखे कौन कौन से, एक तो है अर्थ और दूसरा देखिए हमने कैलोरीज। ठीक है, और ये क्या है, इट इज द कॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये वजह है जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कोई चीज को आप हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, किसी चीज में से आप हीट निकालेंगे तो भी टेम्परेचर चेंज होगा। अब हीट देने का तो एग्जाम्पल सबको मालूम है, कोई भी चीज को आप गर्म करो हीट दे रहे हो उसको, हीट निकालने का क्या एग्जाम्पल है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। फ्रिज में होता क्या है, फ्रिज में वो होता है कि मान लो कोई एक कंटेनर रखा है उसमें पानी है, तो उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत हीट बची हुई है उसको भी वो निकाल के बाहर फेंक देता है, और ये बाहर फेंकता है तो एनवायरमेंट में हीट जा रही है। तो अगर ये आपको एक्सपीरियंस करना है तो फ्रिज के पीछे थोड़ा दूर हाथ रखना, टच करेंगे करंट लगेगा। ठीक है, तो उसमें ऐसे ब्लैक कलर के ट्यूब्स होते हैं ऐसे, उसमें से हीट बाहर निकलता है। तो फ्रिज क्या करता है, जबरदस्ती जितनी भी हीट बची है अगर थोड़ी सी भी बची होंगी वो निकाल के बाहर फेंक देता है, इसीलिए वो हीट के अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, कूल होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं गर्मियों में जाके फ्रीजर के सामने, ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है यहां तक, तो ये चीज है। तो बढ़ते हैं आगे, अब ये देखना है हमको टेम्परेचर स्केल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो उसको हम एक नाम देने वाले, उसको हम नाम देंगे आइस पॉइंट। क्या नाम देंगे उसको, यहां लिख भी लेंगे उसको। तो यहां पे हम देंगे एक पॉइंट का नाम आइस पॉइंट, आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट कितने डिग्री पे होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस। और एक हम बोलेंगे आगे स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट आपका रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो हमको मालूम है। ठीक है, अब इसके और दो यूनिट्स हमको स्टडी करने हैं। और दो यूनिट्स कौन से इसके, एक तो केल्विन, दूसरा फारेनहाइट, ये हम पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या आपने केल्विन केमिस्ट्री में यूज किया है, क्या आपको उसका कन्वर्जन फैक्टर मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना चाह रहा हूं तो मेरे को करना पड़ता है उसमें कुछ चीज ऐड, और कितना ऐड करना पड़ता है, 273। तो मैं अगर आइस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मेरे को 273 में कितना ऐड करना है, 0। तो इसमें आएगा 273 केल्विन, इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इसमें 100 ऐड करो तो इसमें आंसर आएगा 373 केल्विन। तो अब देखो आइस पॉइंट दो आ गए, कौन से, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। स्टीम पॉइंट भी दो आ गए, सिर्फ यूनिट चेंज है, वैल्यू सेम है हो, तो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। अब देखो फारेनहाइट का थोड़ा मजेदार केस है, फारेनहाइट का कैसे केस है, अब फारेनहाइट जो इंसान था, ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, कैसे देख लो, फारेनहाइट जो इंसान था उसको हो रही थी बहुत सर्दी, और ज्यादा सर्दी हो रही थी तो ज्यादा सर्दी होने पर दांत क्या करते हैं, कटकर कटकर करते ऐसे, तो वो जब उसके दांत ऐसे कर रहे थे तो पूरे 32 दांत दिख रहे थे उसके, तो वो हमारा आइस पॉइंट है। आइस पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट, ये हमारा है आइस पॉइंट। ठीक है, और अब इसको हीट बढ़ा दिए, तो अब इसको जब हीट बढ़ा दिए तो ये बोल रहा है वापस लेके जाओ, कहां पे, आइस पॉइंट पे लेके जाओ, क्योंकि जैसे हमको मालूम है इंसान को कभी सुकून नहीं आता है, अगर ज्यादा गर्मी है तो चार गर्मी हो रही है, और ज्यादा सर्दी हो गई चार सर्दी हो रही है, कहीं भी सुकून नहीं है। ठीक है, तो यहां पे भी वैसे ही हुआ, फारेनहाइट ने पहले क्या बोला, सर्दी हो रही, कटकट कर रहा था, कितने दांत दिख रहे थे उसके, पूरे 32 दांत दिख रहे थे, तो ये आइस पॉइंट हो गया। अब उसको हीट कर दिया स्टीम पॉइंट तक, तो फारेनहाइट क्या होता, वापस लेके जाओ, दोबारा लेके जाओ, तो दोबारा इसका कौन सा पॉइंट है, स्टीम पॉइंट। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते, ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी से आप याद रख सकते इसको, तो तीनों चीजें आपको आराम से याद हो जाएंगे, और यही चीज याद लिखी हमने। तो ये देखो सेल्सियस में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट है, यहां लिख लेंगे आइस पॉइंट और ये स्टीम पॉइंट। यहां पे फारेनहाइट में 32 आइस पॉइंट है, और 212 दोबारा स्टीम पॉइंट है, और केल्विन में हमने अभी देखा है कि
373 केल्विन कौन सा पॉइंट है? स्टीम पॉइंट है, और 273 केल्विन आइस पॉइंट है। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं। किसका ग्राफ? आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट का ग्राफ। लेकिन यहां पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा वो कुछ अलग होगा। अब कैसे अलग होगा ध्यान से देख लो यहां पे। तो यहां पे पहले मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। एक्स एक्सिस में मैं लिख रहा हूं डिग्री सेल्सियस और वाई एक्सिस में मैं लिखूंगा केल्विन। तो अब मेरे को बताओ क्या 0 डिग्री सेल्सियस यहां पे जो आएगा क्या वो 0 केल्विन के उतना है? नहीं, वो किसके इतना है? 273। मतलब यहां 0 पे ये पॉइंट यहां कहीं तो आएगा, यहां कहीं तो आएगा, और केल्विन पे कितना आएगा? 273। इसके बाद जैसे जैसे मैं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे केल्विन में भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे अब दोनों में टेम्परेचर क्या होने वाला है? बढ़ने ही वाला है। ये क्लियर है? अब देखो यहां पे मैं बनाऊंगा एक लाइन। तो यहां मैं लाइन बनाऊंगा कुछ ऐसे, और ये लाइन में मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस पे है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे कितना कंपोनेंट आएगा इसका? 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन है? 373 केल्विन है। तो यहां आएगा आपका 373 केल्विन। क्या ये क्लियर है? अब क्या हम इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? थीटा नहीं है हमारे पास, y2 - y1 / ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे के 4, 5, 6 फॉर्मूले इसी से बनने वाले, तो ये बहुत ध्यान से देख लो, सीख लो, समझ लो। अब देखो मैं एक और इसमें पॉइंट बनाने वाला हूं, तो एक और पॉइंट जो रहेगा वो पॉइंट यहां से रहेगा। अब उसमें मान लो कुछ तो टेम्परेचर है थीटा, यहां पे कौन से यूनिट में? डिग्री सेल्सियस में। और यहां पे कौन से यूनिट में रहेगा? केल्विन में। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं ये यूनिट में आने वाला है केल्विन में, ठीक है। अब फिर से मैं स्लोप का फॉर्मूला निकालने वाला हूं। तो अब देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा? हाँ इधर। तो अब देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा। पहले हमने कौन से पॉइंट लेके स्लोप निकाला था? ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी। ये पॉइंट लेके हम स्लोप अगर निकालेंगे तो कैसे आंसर आएगा देख लो। इसमें वाई कंपोनेंट कितना है? इसका वाई कंपोनेंट ये है 373। इसका एक्स कंपोनेंट है 100। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स कंपोनेंट 0 और वाई कंपोनेंट 273। अब मान लो ये कोई पॉइंट है पॉइंट सी। अब इस पॉइंट के भी हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? थीटा। और y कंपोनेंट कितना है? k। यहां तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? अब देखो इसका फॉर्मूला बनने वाला है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? पहले मैं AB का स्लोप निकालूंगा। मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ AB। अब ये देखो अगर मैं AB का स्लोप निकालू और AC का स्लोप निकालू क्या दोनों स्लोप सेम आएंगे? बिल्कुल आएंगे सेम। लेंथ हाफ है लेकिन स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां आएगा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कितना? AC का। तो स्लोप ऑफ AB y2 - y1 / x2 - x1। तो बताओ y2 - y1 373 - 273 ये आ गया अपॉन 100 - 0। क्लियर है? अब यहां पे AC का स्लोप y2 - y1 k - 273 डिवाइड बाय θ - 0, ठीक है। इसको देखो अब मैं एक दूसरे तरीके से बोलने वाला हूं। इसको कैसे पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। कैसे पढ़ रहे हैं इसको? स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इन केल्विन अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस आइस पॉइंट इन केल्विन अपॉन थीटा माइनस आइस पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। आपको बुक्स में ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। वो फॉर्मूला इजी तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हमारा कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा 373 - 273 100 / 100। तो यहां आएगा अपॉन थीटा। ये वन आ गया, थीटा को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया।
अब अगर मेरे को के में फॉर्मूला दिया है केल्विन में और अगर मेरे को उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा -270 डिग्री और ये उधर लेके चले गए तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस 273 इज इक्वल टू के। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आई वॉन्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन इफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 27 डिग्री सेल्सियस। 300 कैसे आया 300? इसमें 273 ऐड कर दो। फिर वो यहां पर क्वेश्चन करते हैं इसके। अब तो थीटा दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो फॉर्मूला क्या है? थीटा प्लस 273, तो यहां पे कर देंगे हम थीटा प्लस 273, ये आ जाएगा आंसर केल्विन में। तो कितना आएगा थीटा 27 प्लस 273? 300 केल्विन। अब उल्टा करते हैं, तो आप मेरे को बताओ कि अगर मेरे पास टेम्परेचर है 600 केल्विन तो वो कितना डिग्री सेल्सियस? अब क्या करेंगे? -273, 427 आंसर आ जाएंगे। 427 आएगा, 327 आएगा, 327 आएगा, 600 माइनस 273, ठीक है, तो 327 डिग्री आंसर आने वाला है। क्या ये क्लियर है? अब इसमें दूसरा वाला आपको बनाना है, तो दूसरा वाला किसका बनाना है आपको, ये देखो। अब मैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का बनाने वाला हूं, यहां पे डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहां पे फ़ारेनहाइट। तो ये देखो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, जब 0 डिग्री था तो फ़ारेनहाइट में कितना था? 32, तो यहां पे लिख लूंगा मैं 32। और जब यहां पे स्ट्रेट लाइन बना रहे थे पहले, जब यहां पे 100 डिग्री था तो यहां पे 212 था, क्लियर है। अब ये भी लाइन बना लेते इसकी ऐसी, अब यहां फिर से एक बीच में पॉइंट लेंगे हम, वैसे ही कर देंगे, इसको ए पॉइंट नाम देते, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, यहां ये थीटा और यहां पे इसको एफ लिख देता हूं मैं, फ़ारेनहाइट इसकी। तो इसकी इक्वेशन बनाकर बताओ, सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने यहां पे किया था। तो बनाओ ऐसी इक्वेशन दोनों का, स्लेप स्लोप बना के इक्वल कर दो, तो देखो क्या आंसर आता है इसका। धन्यवाद। हाँ चलो, तो एक काम करते हैं, इसका आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और एक काम करना है होमवर्क में, होमवर्क में ऐसे ही दो एक्सिस बनाना है, लेकिन वो दो एक्सिस के वैल्यूज अब क्या लेना है, हमने दो ग्राफ बना दिए, दोनों में 1 डिग्री सेल्सियस फिक्स था, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट था और डिग्री केल्विन था या केल्विन। अब इसमें यहां केल्विन रखना है, यहां डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है और सेम आंसर निकालना है।